हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। चार महाद्वीप में ये ओमिक्रॉन वायरस की जो नई जाति ये फैल चुकी है, उसका फैलाव बड़ी तेज़ी से हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना ही खतरनाक नहीं होता, हल्के लक्षण देख करके निकल जा रहा है। जहाँ तक अभी स्टडी हुई है, जहाँ पर आया है वहाँ की स्टडी एक करती है, वो सवाना है दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका ये है, यूरोप में फैल गया, आपकी हांगकांग में है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना, सब जगह काफ़ी जगह फैल गया। तो संभावना ये है कि अपने आप ही जा सकता है। जैसे कि आज ही मैं न्यूज़ में देख रहा था, चार दिल्ली एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पॉजिटिव पाए गए, उनको भर्ती कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है। और जहाँ तक दिल्ली स्तर की बात है, सरकार ने इस बार बड़ा अच्छा ध्यान दिया है, बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं। हमारे 6 प्लांट वर्किंग में हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लोहिया में हमारा लगा हुआ है, कौशलेंद्र में है, मोमदाबाद, राजेपुर, कमालगंज, बरौन, ये हमारे प्लांट हैं, ऑक्सीजन के प्लांट। सफिशेंट मात्रा में हमारे पास सिलेंडर हैं, छोटे और बड़े दोनों, बी टाइप, डी टाइप। डी टाइप हमारे 1200 हैं, बी टाइप लगभग 480 हैं, लगभग क्या 480 हैं। हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मोर देन 500 है। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि हमारी तैयारियाँ पूरी हैं, हम इससे निपटने में सक्षम होंगे। हमारी BSL लैब भी तैयार हो गई, एक हफ्ते में वहाँ जा चुनी लगी, लॉजिस्टिक को जाना है। तो पहले हम और वहाँ पर सैफाई या कन्नौज भेजते थे सैंपल, तो देर होती थी रिपोर्ट आने में। अब हम हाल के आ लेंगे, जाँच करवा लेंगे, वो भी हमें जो आसानी होगी। अब जितनी जल्दी जाँच पॉजिटिव आ जाएगा तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हम कर लेंगे, तो फैलने से रोक सकेंगे। सर कितने बेड लगभग जो है तैयार है? अब 400 बेड हमारे पास तैयार है, प्राइवेट और सरकारी मिला। उसमें सर क्या पहले की तरह जो ऑक्सीजन क्या सिलेंडर मतलब लगाए जाएंगे या बेड के ऊपर जो है ऑक्सीजन दी जाएगी? हमारे जैसे 120 बेड पे तो ऑक्सीजन हमारे जिला अस्पताल में है लोहिया में, और हमारे कौशलेंद्र में है, हम 50 बेड यहाँ रखे हुए हैं।
और 28 बेड हमारे अहमदाबाद में है, 20 बेड हमारे इसमें कमालगंज में है, 18 बेड हमारे इसमें है राजीपुर में, तो ये 50 बेड आपके बरौन में, तो इसलिए हमारे पास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सीवियरिटी भी देखा जाएगा कि अगर कोई ज़्यादा सीवियर है तो उसको पाइपलाइन पर रखें, ऑक्सीजन पाइपलाइन पर, जैसे वो बाहर आता है या कम जरूरत रिक्वायरमेंट तो उसको हम कंसनट्रेटर में देंगे, कंसनट्रेटर हमारे पास 500 कंसनट्रेटर। अगर सिलेंडर भी हमारे पास पर्याप्त हैं, कुल मिला के 600-700 सिलेंडर हैं, अगर हमें इमरजेंसी में या कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो उस सिलेंडर को इस्तेमाल करेंगे। जो तीसरा वेरियंट आ रहा है ओमिक्रॉन, इस पर जो है जो हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है उसका क्या असर पड़ेगा? अब ये संभावना व्यक्त की रही कि वो उसमें भी प्रभावी है, हमारे दोनों वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों प्रभावी, इसीलिए सरकार और हमारी केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार इसमें फोकस कर रही है, अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा जोर है प्रायोरिटी पर वैक्सीनेशन पर और सैम्पलिंग पर, इस समय उसी पर फोकस है। तो सैम्पलिंग हम करेंगे तो हम अपने केस डिटेक्ट कर पाएंगे, जीन सीक्वेंसिंग करके उसका पता चला पाएंगे कौन सा वेरिएंट है, और वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हम सुरक्षित हो जाएंगे।